भाई ना सरकार मान रही ना किसान मान रहा, हो जाएगा फेस पे सब तो आर पार का ही होगा मामला बिना कंडीशन की। तो राजा पड़ता था ना आपके ड्रा के राजा दरवाजा खोल लगा और ड्रा कर जो आपको होगा साइन कर लेंगे। सरकार कह रही है शोध करने लिए थी तैयार, हल किस तरह हो जाएगा अभी क्या जल्दी होगा, एक आध साल में हो जाएगा चलन दो अभी पैंच लड़ाए लड़ाए। तो जब पैंच लड़ जाते हैं तो जो पहले ठा होगा वो इकटगा मरेगा। और 29 तारीख से 1000 आदमी दिल्ली के पार्लियामेंट पर जाएगा 60 ट्रैक्टरों के साथ, जो भारत सरकार ने बंद कर दिया कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, तो ज्यादातर ट्रैक्टर वही लेकर चलेगा। पुराना ट्रैक्टर तो बिना कोई परमिशन गलबात की परमिशन नहीं, ये कह रहे कि ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे हम भी ट्रैक्टर भी दे ली। तो इनके दिमाग में से ट्रैक्टर और किसान नहीं निकलना चाहिए, ना निकलेगा। गुरनाम सिंह चुड़ूनी होरों वालों उम्मीदवार तार दिता गया कि होर भी किसान जथेबंदियां जिहड़ियां कि चोणां दे विच उतरनगियां, क्योंकि समा आ गया, तुसीं कहा सी समा आउण ते गल करांगे, हुण समा चोणां दा आ गया। हाँ कर लेंगे, बात कर लेंगे, सब जिम्मेदार लोग हैं, कर लेंगे, उतरनगे किसान। पूरा एक साल किसानी अंदोलन होने जा रहा है, दिल्ली दियां बरूहां ते डटे किसानां अपने संघर्ष के राह पिया, पर अजे तक कोई हल नहीं होया। गलबात कर लेने राकेश टकैत साहब साडे नाल मौजूद ने। टकैत साहब, पूरा एक साल होने जा रहा, नवंबर चढ़ गया, साल हो जाएगा, अजे तक कोई हल नहीं होया, सरकार मान नहीं रही, किसान दिल्ली दियां बरूहां ते बैठे, किस तरह वेख रहे? बई ना सरकार मान रही ना किसान मान रहा, हो जाएगा फेस पे सब तो आर पार का ही होगा मामला। किस तरह पार का ही होगा वो तो आने वाला टाइम बताओगा, हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं आगे का बता देंगे, हम आंदोलनकारी हैं तो आंदोलन कर रहे हैं। मुआवजा दिता गया 2-2 लाख रुपया जो 26 जनवरी नू होया पंजाब सरकार वालों, बीजेपी कह रही है कि ये गलत तरीके नाल दिता गया लोगों का पैसा, जिहड़ा कि जो टैक्सां नाल इकट्ठा किया गया वो किस तरह दिता जा रहा आंदोलनकारियों नू खास तौर ते? हाँ तो दे देना चाहिए ना, आप भी दे दो भाई, आंदोलनकारियों को आप भी दे दो, देश का किसान था वहां पे शहीद हुआ तो आप भी दे दो। मतलब आप तो नाम नहीं ले सकते, जो किसान शहीद हो गए 2 मिनट का कि कानून वापसी नहीं होंगे और गलबात कर लो। हमने कहा कि बातचीत करो, कंडीशन नहीं, बिना कंडीशन की कोई राजा पड़ता थोड़ा आपके ड्रा के राजा दरवाजा खोल लगा और ड्रा कर जो आपको होगा वो साइन कर लोगे। ये तो लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात कहने का हक है और हम अपनी बात कह रहे हैं। सरकार तो कह रही है मीटिंग ले भी तैयार है, जब वे बताएंगे चिट्ठी भेजेंगे जगह स्थान और टाइम बताएंगे हम जाएंगे बगैर कंडीशन के। हल किस तरह होगा क्योंकि किसान कह रहे हैं कि 3 खेती कानूनों वापस करो रद्द करो, सरकार कह रही है शोध करने लिए तैयार, हल किस तरह होगा? हो जाएगा अभी क्या जल्दी होगा, एक आध साल में हो जाएगा चलन दो अभी इसको। आपने पतंग लड़ाई का भी पैंच लड़ाए लड़ाए। तो जब पैंच लड़ जाते हैं तो जो पहले ठा होगा वो इकटगा मरेगा, तो इसको तो चलने दो, लिपट गए दोनों, इसको चलने दो, जाने की लंबा चलेगा, लंबा चलेगा, ये लपट गया, जो पहले ठा होगा वो ही मरेगा। साल पूरा हो गया हुण अगे दी रणनीति की, साल पूरा होने की रणनीति है, केड़े प्रोग्राम लिख के जा? ये प्रोग्राम है हमारे 26 तारीख को प्रोग्राम रहेंगे सब जगह, और 29 तारीख से 1000 आदमी दिल्ली के पार्लियामेंट पर जाएगा 60 ट्रैक्टरों के साथ में, ये रणनीति बनाई। 1000 बंदा पार्लियामेंट जाएगा, पहले 26 जनवरी नू जिहड़े कि दिल्ली विच कूच कीती, चलो वो भी कूच कीती गई सी, पर हुण कोई जिहड़ा कि प्रशासन नाल गलबात हुई होवे क्योंकि हजारां दी तादाद दे विच? नहीं नहीं, हमने प्रशासन से कोई बातचीत नहीं, अब तो रास्ते खुले हुए हैं तो सबका जाने का अधिकार है, और 10 साल पुराना ट्रैक्टर जाएगा, जो भारत सरकार ने बंद कर दिया कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, तो ज्यादातर ट्रैक्टर वही लेकर चलेंगे। यानी कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर ते बिना कोई परमिशन गलबात की, कोई परमिशन नहीं, दिल्ली दी बरूहां ते रोक देखेंगे, वो 29 तारीख की बात है, यही है, अभी तो प्रोग्राम चलेगा, लंबा चलेगा प्रोग्राम। लखीमपुर घटना की गल की जाए, लखीमपुर घटना काफी लंबा समा होने जा रहा है, अजे तक कोई हल नहीं होया, किसी सजा नहीं दी गई, उस लैके किसान यूनियन की वेख दी? ये आंदोलन चल तो रहे ना, लखीमपुर खीरी की घटना का चर्चा हर मीटिंग में, हर सभा में, हर टोल पर होती रहेगी। जो गृह राज्य मंत्री है उसका इस्तीफा और उनकी गिरफ्तारी दोनों उसका सवाल है,
और जब तक ये नहीं होगा तो ये बातचीत खत्म नहीं होगी। मांग पहले दिन तो की जा रही है पर हजे महीने तो उत्ते तो समा होने वाला हो गया, अजे तक कोई इस्तीफा नहीं दिता। इस्तीफा नहीं हुआ तो उसी के तो खिलाफ ये आंदोलन है, कोई कराओ। ये गिराव भी तो है सब जगह, ये गिराव भी तो है, अलग चीज का अलग गिराव थोड़ा होता है। एक ही गिराव है उसमें डिमांड जुड़ती रहती है। किसानों के नाम भी होता है, जो विपक्ष होता है वो तो किसानों के साथ ही खड़ा हुआ, वो जाता है तो इनको जाना चाहिए, विपक्ष वालों को सब जगह जाना चाहिए इनको। हरजीत गरेवाल कहते हैं कि असी हल करने लिए तैयार हैं, पर जो किसान जथेबंदियां ने उन्होंने जो आगू ने उन्होंने टारगेट करते हैं स्पैशली तौर पर कि वो आगू नहीं चाहते कि मसले का हल हो। हाँ वो तो कहेंगे भाई, ये जो सत्ता के लोग हैं तो कहते ही हैं, इस तरह की बात करते हैं कि जनता इनके खिलाफ हो जाए। न जनता खिलाफ है ना वो खिलाफ है, उनको करना पड़ेगा MSP पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा देश में, 3 काले कानून वापसी लेने पड़ेंगे, और भी बहुत मसले हैं, कोई एक नहीं है, बहुत मसले हैं, उन पर बातचीत करो। 2022 आने वाला नारा दिता गया सी 2022 नू लेके केंद्र सरकार वालों कि 2022 दे विच किसानां दी आमदन दुगनी हो जाएगी, कि लगता हुण आमदन दुगनी होगी क्योंकि महीना एक रहेगा। पहली जनवरी से कहा इन्होंने, तो ये क्वेश्चन करेंगे जो भी इनके लोग आएंगे उनसे क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद की है कि होगी आमदन, तो जनता अपने आप पूछ लेगी उनसे। ये जान रहे गाँव में नहीं जाते, ये कह रहे कि ट्रैक्टर मार्च निकाल लेंगे हम भी, ट्रैक्टरों की रैली, तो इनके दिमाग में से ट्रैक्टर और किसान नहीं निकलना चाहिए, ना निकलेगा। सियासत की गल की जाए पंजाब की सियासत, क्योंकि चोणा आने वाली ने गुरनाम सिंह चुड़ूनी होरां वालों उम्मीदवार उतार दिता गया, कि होर भी किसान जथेबंदियां जिहड़ियां कि चोणा दे विच उतरनगियां, क्योंकि समा आ गया, तुसीं कहा सी समा आउण ते गल करांगे, हुण समा चोणा दा आ चुका। हाँ कर लेंगे बात, कर लेंगे, सब जिम्मेदार लोग हैं, कर लेंगे बात। चोणा दे विच उतरनगे किसान, क्या पता क्या करेंगे, यहाँ की 40 जथेबंदी है, बात कर लेंगे आपस में। चंडीगढ़ इकाई कह रही है कि जिस तरह असीं पश्चिमी बंगाल दे विच BJP दा हाल किया, नगर निगम दीआं चोणां आ रहीआं ने दसंबर दे विच, उसे तरह दा हाल जिहड़ा कि चंडीगढ़ दे विच BJP दा करेंगे। चंडीगढ़ के लोग कोई बाहर से थोड़ा आ रहे, यहाँ के हैं, गामू के लोग हैं, वे करेंगे, इनका हाल यही करेंगे, दवाइयां देंगे बढ़िया। यानी कि प्रचार करोगे BJP खिलाफ जो चंडीगढ़ के? क्यों नहीं करेगा, प्रचार करेंगे, सब करेंगे। किस हक दे विच किस दे प्रचार करोगे? क्या पता किसके, जो ठीक लड़ेगा उसी वही जीत जाएगा, लड़ना चाहिए, मजबूती से लड़ना चाहिए। निर्मल साहब भाजी थोड़े नाल मौजूद ने, पहले दिन तो किसानी अंदोलन दे नाल जुड़े हुए ने, किस तरह वेख रहे? ये ठीक है, समान वमान तो भिजवाते रहे हैं बोरचू में, सेवा का आदमी है, ये भिजवाते रहे समान, अंदोलन दे विच सेवादार दे तौर ते विच, ये सेवादार विच, ये बगैर सेवादार के ना काम चलता, आटा दाल पत्तल भांडे सब चीज चाहिए, चाहता है। निर्मल भाजी तुसी अज तक सेवा की है अंदोलन के दौरान, जेकर गल की जाए काफी वार जो कि लंगर की सेवा हो, कंबलों की सेवा हो, अगे अंदोलन की रणनीति, अज टकैत साहब चंडीगढ़ विखे पहुंचे। सब चंडीगढ़ आए हैं, हम कंबल का काम शुरू फिर दोबारा शुरू हो गया, नवंबर आ गया, ठंड आ गई है, हम ट्रक साढ़े फिर दोबारा फिर जाएंगे कंबलों के। लख रुपए लगते ने, किस तरह वेखते हो? क्योंकि लकी जाते थोड़े अगर दो रुपये दे के जोड़ के सेवा करी जाने, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल है कि चोणा नजदीक ने, लड़निया जाने किसान? नहीं, किसान क्या करेगा, लड़के तो जो लड़ेगा वे सारे किसान ही, तो भाई चुनाव तो होगा, और कौन आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा, जो वोट देता है वो चुनाव लड़ता है। कहने हुंदे सिस्टम नु सुधारना होवे तां सिस्टम दे विच रह के सुधारिया जांदा, जेकर सरकार सही करनी है तां विधायक तां बनना जरूरी होवेगा कि किसान, अगर आंदोलनकारी ठीक है तो विधायक बिल्कुल ठीक रहता है, आंदोलनकारी अगर ठीक है तो विधायक ठीक रहता है। बहुत धन्यवाद साढ़े नाल केश टकैत साहब जी मौजूद सन, जिन्हें साफ तौर पर कहना है कि रणनीति बनाई जा रही है, BJP आगुआं दा घराओ भी लगातार जारी है, दसंबर दे विच जिहड़ा कि इह चोणां होणियां नगर निगम दीआं, तो उत्थे भी जिहड़ा कि BJP खिलाफ प्रचार किया जाएगा। कैमरामैन गगन दे नाल कमलदीप, लिव इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़।